हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज ये जावा की फ़ीमेल एग बैंडिंग का इशू आ गया। इसी फ़ीमेल में पहले भी एक दफ़ा आया था फर्स्ट ब्रीड के टाइम पे, तो ये मेरे पास दो ही पेयर लगे हुए हैं। दूसरा पेयर माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, और इसका एग बैंडिंग का इशू ये दूसरी दफ़ा मेरे पास आया है। पहली दफ़ा आया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इस दफ़ा सोचा कि आप दोस्तों के लिए साथ एक वीडियो भी बनाता चलूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका अंडा जो कि फंसा हुआ है, और इस वजह से फीमेल काफ़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि एग बैंडिंग की वजह से जो बड़ा मसला आता है वो आता है इसकी बीट का, वो बीट नहीं कर पाता, आगे एग आ जाता है, इस वजह से फीमेल जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो सबसे पहले पहले मैं एक दफ़ा तेल लगा चुका हूँ थोड़ा सा, अभी दोबारा जो है ये तेल लगा रहा हूँ। तेल लगा के अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से सारी जगह पे मालिश कर देनी है, जिससे ये सारे की सारी जगह एक जैसी नरम हो जाए। क्योंकि फीमेल जब खुद अंडा देती है तो उसका एक अलग सिस्टम हिसाब है, जब अंडा निकालना होता है तो वो काफ़ी एहतियात के साथ जो है निकालना होता है। यहाँ पर आप देख सकती हैं ये जगह बिल्कुल साइडों से ऊपर से अच्छी तरह से ये बिल्कुल आयल की मदद से हमने नरम कर लेनी है, और जब तक ये बिल्कुल नरम ना हो जाए तब तक अंडा निकालने की कोशिश नहीं करनी, आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसको हम मालिश करते जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये जगह नरम होती जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से अभी तक नरम नहीं हुई, इसको हम लोग दोबारा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और आयल की मदद से ये बिल्कुल हमने अच्छी तरह से नरम कर देनी है जगह। दोस्तों, ये एग बैंडिंग का जो इशू आता है ये इनमें कैल्शियम विटामिन की वजह से आता है, इसका खास ख्याल रखा करें आप दोस्त। ये देखें, जैसे ही मैंने पीछे से अंडे को थोड़ा सा प्रेस किया है तो सबसे पहले इसकी बीट निकली है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये बीट की वजह से जो है ना ये इशू आता है, तो यहाँ से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर रहा हूँ। बिल्कुल इसको आपने आराम से जो है ना प्रेस करना है, आयल अच्छी तरह से बस एक ही दफ़ा आप लगाएं, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल स्लो से अंडे की बैक साइड पर आपने सिर्फ दो उंगलियों की मदद से आपने इसको प्रेस करने, अंडे के साथ इसकी जो अंडे वाली थैली होती है, झोल होती है, वो भी साथ बाहर आ जाती है, उसमें से फिर आपने अंडा निकालना होता है। तो ये देखते जाएं आप जिस तरीके से ये मैं निकाल रहा हूँ उसी तरीके से आप दोस्त भी, अगर आपके पास कोई इस तरह का इशू आ जाए तो आप निकालें। ये ऐसा ऐसा आगे से जगह को थोड़ा थोड़ा खोलना है, और पीछे से आहिस्ता आपने इसको दबाना है। ये फर्स्ट टाइम मेरी इसी फीमेल को हुआ था, उससे पहले कभी किसी बर्ड को हुआ ही नहीं है मेरा एग बैंडिंग का इशू। तो पहली दफ़ा भी मैंने खुद ही निकाल लिया था अंडा, और ये दूसरी दफ़ा भी मैं खुद ही निकाल रहा हूँ और साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं होता, बिल्कुल जो है ना आप इस चीज़ से घबराया मत करें। ये देखें इसकी अंडे वाली थैली भी साथ बाहर आ गई है, तो बिल्कुल इसमें ये छोटा सा होल है जिसमें से अंडा बाहर आता है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से बिल्कुल हमने आराम आराम से, ताकि ये इस थैली को किसी किस्म का कोई मसला ना हो, बिल्कुल ये बारीक जाली नुमा होती है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये आयल लगाने की वजह से काफ़ी ये जो है ना इस तरह स्लिपिंग सी बनी होती है, थोड़ा सा आपने हाथ खुश करना है और थोड़ा सा एक ही दफ़ा आपने प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिक ये अंडा आप देखें बाहर आ गया। यही काम है इसका,
मेन, तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल जो है ना घबराना नहीं होता। और ये जो इसकी जगह है, अब ये थैली, इसको आपने थोड़ा थोड़ा हिस्सा हिस्सा आपने प्रेस करके इसको वापस अंदर दबा देने अपने हाथ की मदद से। ये देखें, बस इसी तरह ये ऑटोमेटिक अंदर वैसे चली जाती है, लेकिन थोड़ा सा अगर दबा देंगे तो ये एकदम से बिल्कुल खुश्क नहीं होगी। अभी ये फीमेल दोबारा 1 वीक के अंदर इंशाल्लाह लेइंग स्टार्ट करेगी। अभी दूसरा अंडा इसका नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा अंडा बनेगा ही नहीं, थैली बाहर आ गई थी इस वजह से। सॉरी, तो दोबारा ये मेल इसको क्रॉस करने के बाद जो है ना इसका अंडा बनेगा, तो लाजमी ये 1 वीक लग जाएगा। कैल्शियम के लिए क्या यूज़ करना है, ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जिस वजह से ये मेरे पास मसला आया। मैं आपको बताता जाऊंगा आगे एक वीडियो में कि इसकी ब्रीडिंग के लिए क्या कुछ यूज़ करना है। ये देखें, ये अंडा आ गया। तो ब्रीडिंग के लिए, कैल्शियम के लिए, विटामिन के लिए क्या चीज़ें यूज़ करवानी है इनको, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरे केज में खुद ही जो है वो समझ लेंगे, कोई नहीं पड़ी हुई, वरना मैं इसी वीडियो में आपको साथ ही बता देता। तो छोड़ते हैं इसको केज में। ये देखें, ये इसको अभी समझने होश आ गई है। जब मैं आया तो बिल्कुल ये ऐसे सुस्त टोन सी एक साइड पे लगी हुई थी फीमेल, अभी ये काफ़ी रिलैक्स फील कर रही है, तो इंशाल्लाह ये खाना पीना भी शुरू कर देगी और एक ही दिन में इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगी। मैंने इसको ये पानी आज ही कैल्शियम वाला डाल दिए, जिससे बर्ड की कैल्शियम पूरी हो। ये लगातार इंशाल्लाह मैं इनको 1 पूरा वीक जो है ना इस्तेमाल करवाऊंगा डेली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फीमेल का नेस्ट बॉक्स, बिल्कुल इसने जगह बनाई हुई थी, इसके बच्चे यहाँ बाहर आ चुके हैं, वो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मौजूद हैं। 4 बच्चे इसके निकले थे, 4 एक दफ़ा निकले हैं, 4 दूसरी दफ़ा, और ये अभी तीसरी दफ़ा लिंग के लिए जो है ना बैठ रही थी, तो ये इशू आए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक टाइम टू टाइम लाता रहूँगा, इनकी ब्रीडिंग के लिए, कैल्शियम के लिए भी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त।